कैथल विधानसभा सीट से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्याम मांडी ने अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र एसडीएम ऑफिस में दाखिल किया। श्याम मांडी ने भाजपा सरकार पर कैथल के विकास को अनदेखा करने के आरोप लगाए। श्याम मांडी ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म के आधार पर विभाजन की नीति पर चल रही है। श्याम मांडी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कैथल के गाँवों का चक्कर लगा चुके हैं और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। आइए श्याम मांडी की यह बाइट सुनते हैं। पर पीछे भी बना रहा और आगे भी काफी मजबूती के साथ मैं अभी चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। कैथल में तो हवा हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? पिछली जो सरकारें हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये खंडर बना दिया है सारा शहर। शहर की तो विकास की बात ही छोड़िए आप, गली और हमारे सिवरेज सभी मुंडे पड़े हैं। विकास कहाँ हुआ? इन्हें तो हिंदू मुसलमान के झगड़े और जातीय दंगे, इन्हीं की तरफ ध्यान ज्यादातर लोगों को भटकाया है इन लोगों ने। और कोई धरातल पे कोई भी विकास कार्य कहीं पर भी आप अगर सर्वे करोगे, कोई कॉलोनी का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो मैं जीत को लेकर काफी आश्वस्त हूँ और सभी गाँवों में मैं काफी लोगों से मिला हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हूँ। मेरे को वोट इसलिए दे क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है जो संविधान में विश्वास करती है। पूरे कैथल को पूरे अव्वल दर्जे पर चमकाऊंगा और सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे हमारे 100% आरक्षण है, समान शिक्षा है, समान अधिकार है, समान रोजगार है और हमारा बेरोजगारी भत्ता है 10,000 रुपए पर बच्चे को। और चुनौती आज के टाइम में कोई चुनौती नहीं है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, चुनौती कहाँ से आएगी? और ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, काफी मजबूती के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो यूथ नौकरियां नहीं मिली है, उसको सर्वे करवा कर उसको प्राथमिकता देगी हमारी जो सरकार लोकतंत्र पार्टी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।